जब मैं यहाँ आया हूँ तो जिस किस्म का लेआउट आपका मौजूद है और जिस तरह की मुझे सब ये ब्राइट शक्लें नज़र आ रही हैं माशाल्लाह से, ये मुझे बड़ी होप दे रही हैं अबाउट द फ्यूचर ऑफ आर कंट्री एंड आर सोसाइटी. आई हैव मैश्ड अप माई पर्सनल एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंसिस एंड स्पेशली द लाइफ चेंजिंग म्यूजिंग्स पोस्ट एयर क्रैश टू शेयर विद यू माई आइडियाज़ एंड थाट्स. एज आई सेड, मैंने ये किताब लिखी है जिसका नाम है लीस्ट ब्रेथ. फंक्शनल नेम उसका लीस्ट ब्रेथ नाम है. वो इंटरनेशनल पब्लिशर अभी रिव्यू कर रहा है. ही विल सजेस्ट और शी विल सजेस्ट यू नो उस पर किस किस्म के यू नो और ट्विकिंग की ज़रूरत है. बट उसका फर्स्ट ड्राफ्ट मैं उनको भेज चुका हूँ. और ये जो मैं आपसे 10 लर्निंग्स अपनी शेयर करने जा रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ उनको लिस्ट डाउन करूँगा. ये लिस्ट मैंने वहाँ से उठाई है जो किताब में उसने डाली हुई सीक्वेंस में, मगर मेरी टॉक में जो है वो डिफरेंट टाइम्स पे ही आएगी. सिर्फ एक चीज़ जो कॉमन है वो ये कि जो लेगेसी है वो इसमें भी एंड पे आ रही है और जो लेगेसी है वो इसमें भी एंड पे ही आएगी. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज़ मिरेकल्स, सेकेंड वन इज़ एरोगेंस, थर्ड वन इज़ रिचुअल्स, फोर्थ वन इज ड्यूज. मैंने इसको थोड़ा एक्सपेंड किया है क्योंकि ड्यूज थोड़ा एट टाइम्स यू नो इस लोग मिसकंस्ट्रू कर जाते हैं. दीज आर मोर इमोशनल ड्यूज देन द फाइनेंशियल ड्यूज. ऑल्दो बीइंग अ बैंकर मुझे ज़रा थोड़ा सा फाइनेंशियल ड्यूज का भी बड़ा ख्याल रहता है कि हमारे क्रेडिट कार्ड पर पैसे वैसे वापस आ जाए. नंबर फाइव विल पावर, नंबर सिक्स बोल्ड स्टेप्स, नंबर सेवन गुडनेस इन पीपल, नंबर एट सिंसेरिटी, नंबर नाइन कम्युनिकेशन. One of those testaments are here today. And last but not the least, and in fact, jisko kehte na hasil ghazal urdu mein, legacy is right at the end. Ladies and gentlemen, you know, life is full of surprises and accidents. My life was no different. In fact, was the classic example of that. Starting from me landing into IBA Karachi, purely by accident. Mera koi irada nahi tha ki maine jo hai wo business एजुकेशन परसू करनी है. आई वॉन्टेड टू बी अ लॉयर और अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. उसकी सिर्फ वजह यह थी कि आई वॉन्टेड टू बी इन अ प्रोफेशन कि जहाँ पर मैं इंडिपेंडेंटली अपना काम खुद कर सकूँ, रादर देन यू नो बाय द वे उस जमाने में टेक्नोलॉजी वगैरह स्टार्टअप्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो यही स्टार्टअप उस वक्त के हुआ करते थे. लेकिन मैं गया हुआ था कराची, हम लाहौर में रहते थे. मैं गया हुआ था कराची, मेरी कज़न की शादी थी. उस शादी के दौरान एक और मेरे कज़न है डॉक्टर कामरान रजी, जो आजकल अमेरिका में होते हैं, बहुत अकॉम्प्लिश डॉक्टर हैं. उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यार वो आईबी कराची के टेस्ट हो रहे हैं, तो अच्छा है तुम्हें, तुम अपीयर हो जाओ उस पर. वैसे तो खैर तुम्हारा इरादा नहीं है, मगर ये कि अगर आईबीए में हो जाता है तो नथिंग लाइक. आईबीए वॉज दी इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम. लम्स वॉज जस्ट यू नो अराइव्ड, बट आईबीए वॉज दी इंस्टीट्यूशन which was which everybody was aspiring to get into. उसने मुझे कहा कि देखो बात यह है कि और तुम कोई बड़े अच्छे स्टूडेंट भी नहीं रहे माशाल्लाह से ज़िंदगी में, तो तुम्हारे लिए बेहतर ये है कि तुम एक दफ़ा ज़रा इस पर अपीयर हो जाओ टेस्ट में, और तुम्हारी थोड़ी सी अपनी प्रेपरेशन हो जाएगी फॉर यू नो तुम्हारा इरादा बाहर जाने का है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए लॉ करना चाहते हो तब भी बाहर जाना चाहोगे, तो बेहतर है कि तुम एक दफ़ा इस पर टेस्ट में अपीयर हो जाओ, जस्ट तुम्हारी लर्निंग हो जाएगी. मैंने कहा लाइट इन द मिड्स ऑफ द शादी यू आर आस्किंग मी टू अपीयर इन दिस टेस्ट. उसने कहा यार तुमने कौन सा कोई सीरियसली करना है, अपीयर हो जाओ. मैंने कहा अच्छा चले ठीक है. तो लिटरली जिस दिन मेहंदी थी उस दिन टेस्ट था, और मैं ऑब्वियसली वो शादी के घर से निकल के अपने नाना के घर पे, सैयद मोहम्मद तकी साहब मेरे नाना थे जो फिलासफ़र थे, रईस अमरोवी साहब उनके बड़े भाई, जॉन एलिया साहब उनके छोटे भाई, आप लोग क्योंकि सब बिजनेस के और लिबरल आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा. तो वो मैं अपने नाना के साथ उनके घर में रहा, वो नहीं गए थे ऑब्वियसली मेहंदी वगैरह पे, तो वो वहीं थे, मैं उनके साथ रहा और अगले दिन टेस्ट के लिए अपीयर होने गया. एंड लो एंड बी होल्ड आई पास द टेस्ट. एंड अब टेस्ट पास हो गया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो गई. मेरा तो बी कॉम का रिजल्ट ही नहीं आया हुआ था. अब क्योंकि बी कॉम का रिजल्ट नहीं आया हुआ था तो यहाँ 200 स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो पंजाब यूनिवर्सिटी के नीचे आते हैं, तो वो जब तक के सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट ना आ जाए, कॉलेजेस के कंपाइल ना हो जाए, तब तक वो आपको अगर रिजल्ट्स अनाउंस नहीं करते. बट उसमें अरेंजमेंट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका इस तरह का मेरा वाकया हुआ,
कि मेरा एडमिशन हो गया था, अगर आप उनको स्पेशल रिक्वेस्ट भेजें तो आपका जो रिज़ल्ट होता है वो उस यूनिवर्सिटी को भिजवा देते हैं। तो मैंने रिक्वेस्ट की उनसे। अब एक और प्रॉब्लम, जो इंटरव्यू था वो तो 13 तारीख को था, 10 तारीख को ये रिज़ल्ट आया था, 10 जून 1991, वो 13 तारीख को था। मैंने कहा यार अब 13 तारीख तक तो वो रिज़ल्ट नहीं आने वाला, वो लाहौर से आना था डायरेक्टली यहाँ पर। तो रिक्वेस्ट की गई रजिस्ट्रार साहब को पंजाब यूनिवर्सिटी के, कि जी आप वो सील्ड एनवलप हमें दे दें और मैं उसको बाय हैंड लेके चला जाता हूँ, बिकॉज 14 तारीख को लाहौर में आईबी कराची का के टेस्ट होने, इंटरव्यूज होने। लकीली ही अग्रीड और वो मान गए इस बात पे कि ठीक है मैं आपको दे दूंगा, मगर अगर आपने उसको सील को तोड़ा तो फिर वो आपका रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एनीवेज, टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 14 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा और मैंने जाके वो अपना रिजल्ट दिया। एंड यू नो उस आईबीए एडमिशन से ज़्यादा जो मेरे लिए एक्साइटमेंट की बात थी वो ये थी कि पार्ट वन और पार्ट टू, आई डोंट नो अब आज भी ऐसे ही होता है या नहीं होता, पहले तो पार्ट वन, बीकॉम पार्ट वन और बीकॉम पार्ट टू अलहदा अलहदा हुआ करता था। सो बीकॉम पार्ट वन के अंदर मेरी 9th पोजीशन थी पूरे पंजाब में, एंड आई वॉज मोर एक्साइटेड कि वो पोजीशन बेहतर हो जाए। एंड वो जब वो रिजल्ट आया मेरे सामने तो पता लगा कि मेरी 3rd पोजीशन आई है इन द पंजाब। एंड आई स्टिल रिमेंबर, ये तो आपके तो डॉक्टर साहब जो है वो बहुत ही यू नो कल्चर्ड आदमी है, डॉक्टर वहाब बड़े ज़बरदस्त आदमी थे, बट उनमें कल्चर वल्चर का कोई एलिमेंट नहीं था, बिल्कुल कोई होल्ड बार्ड, नो होल्ड बार्ड होते थे। मेरी शक्ल देख कहने लगे रिजल्ट तो तुम्हारा बड़ा अच्छा है, इतने ब्राइट तो नहीं लगते तुम कहीं से भी। खैर वो मरहूम फजल अहसन साहब थे, वो बैठे हुए थे साथ, एक और हमारे डॉक्टर इनायतुद्दीन साहब होते थे वो साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि सर अगर इसका रिजल्ट है तो इसी का होगा ना, ब्राइट लगता है या नहीं लगता, रिजल्ट तो इसी का है। टू कट दिस लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दैट्स हाउ आई लैंडेड इन आईबीए, लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस। आप सब भी जो बीएनयू में बैठे हुए हैं, इट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। देन आई गॉट इन टू बैंकिंग, अमेरिकन एक्सप्रेस अगेन, यू नो बाई चांस। उस वक्त जो था वो सबसे अच्छा एम्प्लॉयर जो था वो अमेरिकन एक्सप्रेस था, बिकॉज बैंक ऑफ अमेरिका, आई वॉज द बैंकिंग ग्रेजुएट बाय द वे, मेरी जो मेन कॉन्सेंट्रेशन थी वो बैंकिंग थी, एमबीए बैंकिंग। तो अमेरिकन एक्सप्रेस वॉज द बेस्ट एम्प्लॉयर, उन्होंने दो आदमी रखे 38 की क्लास में, उसमें से एक मैं भी था बिफोर द ग्रेजुएशन। एंड यू नो लकीली, और मैं यहाँ एक चीज़ आपको ज़रूर शेयर करूँगा आपसे, एंड लकीली आई गॉट इन देयर। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अब बैंकिंग में चला जाता हूँ, बट यार मेरा तो इरादा कोई इसको परसू करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंसेंसी के सारे लेटर मैंने लिख दिए हुए हैं, आई विल गो टू लंडन एंड डू माई अकाउंटेंसी का जो टाइम पीरियड होता है, एंड देन फाइनली यू नो लैंड इन वॉट आई वॉन्टेड टू डू। तो एक दो साल कर लेते हैं क्या आरजे, जब तक नहीं होता, इतनी इंकरेजमेंट मिली, इतना ज़्यादा बैंकिंग ग्रू ऑन मी कि देन आई डिसाइडेड टू परसू बैंकिंग एज अ करियर। देन ज्वाइन सिटी बैंक विच वॉज दी बेस्ट एम्प्लॉयर, अंटिल नाउ इज द बेस्ट एम्प्लॉयर इन बैंकिंग। दुबई इस्लामिक बैंक सेटअप फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर, आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय, मैं और मेरी सेक्रेटरी कमरे में बैठा करते थे। एंड देन बार्कलेज, आई लैंडेड इन अफ्रीका। सो आई दुबई इस्लामिक बैंक सेटअप करने के ज़माने में आई वॉज यू नो आई हैड ऑन अ लाइटर नोट आई हैड एन अकामा एज वेल। मैं दुबई में क्योंकि बेस था और आना जाना बहुत होता था हर वक्त, बिकॉज यहाँ सेटअप कर रहे थे वहाँ से, तो वो मेरे पास, आई वॉज बेस्ड इन दुबई, सो हैड अ दुबई का एक्सपोजर एज वेल, हाउ बिजनेस वर्क्स देयर। And then Barclays Africa, I became the, you know, the regional head for Barclays Africa, Zambia, Zimbabwe, Botswana, $3 billion balance sheet, 10,000 people, and it was the largest business in all the three jurisdictions. Largest bank, not the foreign bank, largest bank. And then, you know, wo ek keeda to sari zindagi tha hi na pehle se ki wo apna kaam karna hai. तो 2010 में मेरा जो बॉस था दुबई इस्लामिक बैंक ने, ही लेफ्ट दुबई इस्लामिक बैंक, वो पहले सिटी में मेरा बॉस हुआ करता था, एंड देन वी सेट अप बुर्ज कैपिटल, एंड यू नो वो हमने वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बिजनेस था और प्राइवेट इक्विटी का बिजनेस था। अगेन उस वक्त भी स्टार्टअप का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं था पाकिस्तान में, तो यही स्टार्टअप था। वी डिड वेरी वेल, हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में यू नो वी गॉट द लार्जेस्ट मैंडेट फॉर डेट रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द दीवान ग्रुप। We brought in, you know, Grandco to Pakistan, जिसको मैं भी आगे लिंक करूँगा, जो इंफ्राजामिन पाकिस्तान एक एंटिटी है जो अभी which came into being.
मैं उसका इनिशियल सीईओ था. आई सेट इट अप फ्रॉम स्क्रैच दैट एंटिटी ऑल्सो इंफ्रासामिन. एंड देन यू नो इन द मीन टाइम लकीली फॉर मी मुझे ऑफर हुआ कि आप बोर्ड पे आ जाएं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान. सो आई वाज द यंगेस्ट बोर्ड मेंबर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एट द एज ऑफ 42 एंड ऑल्सो द मेंबर ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी. ह्यूज ऑनर. एक टर्म मिला था मुझे 2013 में और फिर मुझे टर्म दोबारा रिन्यू हुआ. दो ही टर्म मिल सकते थे इन 2016 एज वेल. बट 2016 में मैंने आई डिसाइडेड टू जॉइन द गवर्नमेंट एज द डायरेक्टर जनरल फॉर नेशनल सेविंग्स. अगेन अ न्यू फ्लेवर ऑल टुगेदर. वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट इन अ डिपार्टमेंट इज कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम वर्किंग फ्रॉम आउटसाइड. डिजिटाइजेशन पे बहुत काम किया, ऑटोमेशन पे बहुत काम किया. लंबी कहानी हो जाएगी तो मैं उसमें ज़्यादा आगे नहीं जा रहा. एंड देन एट द सेम टाइम 2018 में मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ. गवर्नमेंट डिडन्ट वॉन्ट मी टू गो. बट मैंने उनसे कहा जी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है बिकॉज मेरे मैं बहुत घर से दूर रह लिया हूँ तो मुझे अब पॉसिबल नहीं होगा. तो उन्होंने फिर इंसिस्ट करके मुझे एज ए कंसल्टेंट एक साल के लिए एंगेज किया टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स विच वर गोइंग ऑन इन नेशनल सेविंग्स. एंड एट द सेम टाइम जो इंफ्रासामिन पाकिस्तान है उसको मैंने सेटअप करवाया इन पाकिस्तान फ्रॉम स्क्रैच. आई वॉज द इंटरिम सीईओ ऑफ इट एंड आई वॉन्टेड टू बी द सीईओ ऑफ दैट वन. इन द मेन टाइम बैंक ऑफ पंजाब का ऐड आया. बैंक ऑफ पंजाब की भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. वो पहले उन्होंने ऐड लगाया, किसी को सीईओ ऑफर किया. अनफॉर्चुनेटली उनका फिट एंड प्रॉपर क्लियर नहीं हुआ. तो अब उनको गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ गया कि आपको जो है वो कोई अच्छे लोग लाने पड़ेंगे. तो मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि जी आप अप्लाई कर दें इस कंडीशन पे कि मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैंने बीओपी में आना है, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा, लेकिन मैं अप्लाई कर देता हूँ ताकि आपके लिए कहने के लिए ये हो कि जी बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला है एंड पीपल आर इंटरेस्टेड इन कमिंग इन टू पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन. कर दिया अप्लाई. वो गॉड फादर कहते हैं ना कि यू नो मेक हिम एन ऑफर दैट ही कांट रिफ्यूज. दिस इज एग्जैक्टली वॉट हैपन टू मी. गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने मुझे ऐसी ऑफर दी दैट आई कांट रिफ्यूज, नॉट मॉनिटरीली बट इन टर्म्स ऑफ रनिंग दैट ऑर्गेनाइजेशन. जिस किस्म का मुझे फ्री हैंड दिया है उसके रिजल्ट्स आपके सबके सामने हैं. बी ओ पी इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट स्पेस. इनफैक्ट आज डॉक्टर साहब सुबह मुझे, एंड वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज, डॉक्टर उमर सैफ जो हमारे आई टी के मिनिस्टर हैं, आइकॉनिक पर्सनैलिटी इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजिंग द यू नो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि मैं पिछले एक महीने से जब से मैं मिनिस्टर बना हूँ मैं जहाँ जाता हूँ मुझे जो है वो बी ओ पी के बारे में ही लोग जो है वो बातें करते हैं और बताते हैं कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं. तो आई जस्ट वॉन्टेड टू कॉल यू एंड टेल यू दैट यू नो वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू. We're proud of your team and the work that you are doing, and you know it's and please continue to do the same. I know how difficult it is in the public sector organization, but you know please continue to do the same. So this was a big honor for us that you know we are doing something right. Somebody calling out of the blue and somebody like you know Dr. Umar Saab doing it. And then finally, obviously, ladies and gentlemen, you know. अच्छा बाय द वे इन सब पोजीशंस में ना मैं मेरी एज बहुत कम रही. फॉर एग्जांपल जब मैं बार्कलेज का सीईओ बना, रीजनल सीईओ इतनी बड़ी एंटिटी का, तो आई वाज 37 इयर्स ओल्ड. जब मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे आया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, तो 42 इयर्स ओल्ड. जब मैं बीओपी का प्रेसिडेंट बना तो आई वाज 49 इयर्स ओल्ड. सो यू नो रिलेटिवली गिवन द साइज ऑफ दीज एंटिटीज आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट. एंड वो 360 डिग्री जिसको कहते हैं ना हम, वो एक्सपीरियंस मेरे पास लकीली आ गया. सो फ्रॉम मल्टीनेशनल बैंक्स टू रीजनल बैंक्स टू पब्लिक सेक्टर लोकल बैंक टू एन NBFI विच इज सपोर्टेड बाय द इंटरनेशनल NBFIs DFIs टू वर्किंग फॉर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड देन ऑब्वियसली एज द हेड ऑफ द रेगुलेटर ऑल्सो. I've been very fortunate that I got that 360 degree का experience. ये experience सिर्फ इसी सूरत में possible हो सकता था मेरे लिए कि मैं अपने मुल्क में रहता और यहीं काम करता और इसी को आगे लेके चलता. और ये unique experience है. आप यकीन माने कि मैं दुनिया में कहीं जाता हूँ तो इस experience की बहुत ज़्यादा value है. And then finally, ladies and gentlemen, the life-changing experience जो मैं आपको surprises और accidents की बात कर रहा हूँ, the accident of all the accidents, which is you know my survival in the air crash, which is eventually the life changing. So the point here is that you know surprises are inevitable and part of life. It's how you
how you respond and react to these surprises and accidents. The important thing is how you cope up with them. The important thing is that you should treat these as experiences for your own personal development and growth. You can plan things to an extent. Please understand that. And then leave it up to the God. Try your level best, work hard, and then leave things to take their own course. Never wait for miracles in life. Miracles is my first learning. They do happen, but don't wait for them to happen to change your life. Work towards changing your life yourself. Your fate is in your own hands. And that's why जो मैंने पूरी एक तमहीद बांधी अपने करियर के बारे में जो तकरीबन कोई 10 मिनट चली है उसका मकसद ही ये था आपको बताने के लिए कि अगर क्रैश नहीं भी होता तो इवन देन आई वॉज मूविंग ऑन माई पाथ एंड चार्टिंग माई पाथ आउट माई सेल्फ. इफ आई वर टू पुट माई की लर्निंग ऑफ माई प्रोफेशनल लाइफ इन वन इक्वेजन देन दैट वुड बी गुड ह्यूमन बींग्स इज इक्वल टू गुड प्रोफेशनल. The starting point of becoming a good and successful professional is to be a good human being. Work towards becoming a better person and the professional success will come automatically to you. The success in life is to be a good human being. The ultimate thing that matters in your life is your connection with people. People are generally good people. Try and find that intrinsic goodness in them, and that you will only recognize if you have that goodness in you. So the goodness eventually leads you to be a good professional, as it's all about getting work done with diverse set of individuals. So goodness is my second learning. It's all about people management at the end of the day. Most of us coming from middle class backgrounds, I am from a middle class background, must understand that to break the glass ceiling, to reach to the top of their career, your entire system supports and works in tandem. Your family, your friends, your teachers, basically the community at large. And that leaves the responsibility to play a similar role when we get into the position ourselves for others. We owe this to this ecosystem, to our community, to our country, to produce more people like us. I consider you all as an elite in the society, not necessarily due to your financial standing, but more so because you got the best education possible at BNU. And as an elite, you have certain responsibilities to give back to the nation, to your own people. Never be arrogant about it. My third learning, arrogant. It's disastrous. You can learn from anyone and everyone, anytime and anywhere, not necessarily in the university alone. You keep yourself open-minded and receptive to new thoughts and ideas. Get your communication going. That's my fourth learning. Engage, talk to people. Share your thoughts. Learn from others. And ready to tweak your ideas and thoughts even from someone who is less in age or in education or exposure or even in status with you. I know there is a ritual these days that everyone wants to go abroad after completing their education in Pakistan. Rituals is my fifth learning. We don't necessarily have to follow the rituals. In fact, if anything, there's time to break the shackles of rituals and evaluate your own circumstances, your responsibilities, your duties towards your families, friends, and society overall, and then make a call
on what's best for us and for our own situations. But that doesn't mean that we don't strive to go abroad and pursue our career there. But please keep one thing in mind. Wherever you go, whatever you are doing, you must keep your perspective clear that you owe something to the community which has brought you to this stage. Consider your stint abroad as your process of learning from others and learning from better community and society, which you then have to share and give back to your own people for creating a better society and eventually economy for your future generations. This is due on us towards the community and got you to a point which has got you to this point today. So due is my sixth learning. Please keep in mind that when you are working professionally in your own country, you are in your own comfort zone and your probability of excelling is much higher. Mind you, you are operating in high context societies where the linkages and connections do matter. That holds true across the globe with varying degrees. And also mind you that you are the elite too in your own setting, given your privileged educational background. Therefore, your probability of success in your own environment and country is much, much higher. I can quote you an example of mine in Zambia. I was all on my own. And as you know, and as you go up in the ladder, you tend to become isolated and alone. The support system was missing in that competitive environment. I had eventually realized what I was missing in my delivery and performance when I got similar role in my own environment, in my own country, in Pakistan. Someone has the responsibility to change our own circumstances and society in general. They are always done by the elites as they have the resources and capacity to undertake it. You are that community. We have to take the lead in this direction. No one else, because we are the privileged ones. There will be odds, but those bumps could be crossed over with strong willpower and with the resolve to never give up. Willpower is my seventh learning. My working from hospital bed post my crash for 4 months was one such resolute of willpower, and then traveling back on the same airline, on the same seat, on the same route, although other way around, was one such demonstration of willpower. That's how you overcome all your inhibitions and fears in life. Doc Saab was asking me, abhi wo jab humare aa rahe the chairman PIA us documentary mein ki aapki unse mulaqat rahi hai, wo har 15 din baad mere paas aaya karte the. To ek dafa maine ye faisla kiya ki bhai dekho, ab to jo Allah Taala ne mere sath karna tha wo to jo kuch hua hai Allah Taala ne kiya, to ab kuch meri bhi responsibility, kuch main bhi kar lu. To I decided that main fly back karunga, jis tarah maine aapse bataya ki same seat, same airline, same route pe. To wo aaye hue the mujhse milne ke liye, to maine unse kaha ji I have decided to fly PIA going back to Lahore 4 mahine baad. Wo to kursi se niche gir gaye. Keh lage kya baat kar rahe ho aap? Maine kaha, keh lage meri to himmat nahi ho rahi thi ki main aapse ye keh sakun ki aap kabhi bhi zindagi mein PIA se fly kare, aur aap mujhe keh rahe hain ki you have decided yourself. Maine kaha yes, I have decided for you myself, because I wanted to get over this fear in my head. I don't want to be in a situation where I have to live with any inhibitions or fears in my life. So just to get over that. Acha ji, jab ye maine apni family mein announce kiya to meri walida ne mujhse 2 din baat nahi ki, mere doston ne naraz ho gaya, bada motivate karne ki koshish ki. I said nothing doing, I will do that. And in hindsight I think I did the right thing, because that has helped me in bringing my life to normalcy. By the way, ek aur cheez jo main aap logon se share karna cha raha hu ye ki 6 mahine mein, ye 4 mahine jo main hospital mein tha aur fir ek do mahine uske baad bhi maine psychological help bhi li hai.
तो वो जो साइकियाट्रिस्ट था वो मुझसे हर वीक ट्यूसडे को एक घंटे का सेशन किया करता था. ऑल्दो अपेरेंटली आई वॉज फाइन, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दैट री एनफोर्समेंट. एंड दिस आई ऑल्सो बिलीव एज पार्ट ऑफ द बोल्ड डिसीजन दैट आई टुक ऑन माई सेल्फ, क्योंकि अदरवाइज तो लोग बिलीव करने लगते हैं कि जी आप थोड़े से खिसक गए. ऑन अ लाइटर नोट बाय द वे, आप ज़रूर बाहर जाके काम करें, आप ज़रूर जाके एक्सेल करें बाहर. डॉक्टर साहब ने बाहर जाके काम किया है, बट वो जो कहावत है ना, मैं आप लोगों से वो शेयर करना चाहूँगा, जंगल में मौज नाचा किसने देखा. यकीन माने जब आप अपने इन्वायरमेंट में अपने लोगों के साथ काम करते हैं और एक्सेल करते हैं, मे बी नॉट टू द एक्सटेंट ऑफ द इंटरनेशनल लेवल पे जो आपने एक्सेल किया है, बट उसकी जो एक मोटिवेशन होती है और उसकी जो एक प्राइड होती है ना, उसकी किक ही और है देन एनीथिंग एल्स. ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. देख रहा हूँ बहुत सारे लड़की लड़कियाँ माशाल्लाह बैठे हुए हैं. ऑब्वियसली वो कोई किसी का किसी में इंटरेस्ट होगा, किसी में किसी का इंटरेस्ट होगा, किसी का किसी और में इंटरेस्ट होगा. तो अक्सर मेरे साथ दो या तीन दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा भी इंटरेस्ट था किसी खातून में और एक और दोस्त का भी इंटरेस्ट था उन्हीं खातून में. अब वो खातून जो है वो वेट कर रही है कि यार कुछ बात बात हो जाए, कुछ बात आगे चले. आपने बात नहीं की उतनी देर में वो दूसरा दोस्त आ गया, उसने कहा यार वो आई एम इंटरेस्टेड इन हर, शुड आई अप्रोच हर. ये आप लोगों के साथ सबके साथ हुआ हुआ है मुझे पता है, इसलिए मैं आपसे शेयर करूँगी. ये स्क्रिप्ट में नहीं है, मैं बाहर से लेके आया हूँ अभी आप लोगों को सबको देख के. तो मैंने कहा यार अजीब मुसीबत है, ये तो मुझसे ही पूछने आ गया, मैं तो खुद इस लड़की में इंटरेस्टेड था. लेकिन देन यू नो यू ओ दिस टू समबडी हु इज आस्किंग यू अ क्वेश्चन अबाउट हिज लाइफ, अबाउट हिज फ्यूचर. यू हैव टू बी सिंसियर एंड ऑनेस्ट विथ हिम और हर. अगर वो लड़की आके पूछ रही है कि तुम्हारा उस लड़की के बारे में क्या ख्याल है, यू हैव टू टेल हर द ट्रूथ. अगर वो अच्छी लड़की है तो आप ज़रूर कहें कि वो अच्छी लड़की है, जो भी आपके व्यूज़ हैं. और अच्छी है तो आपको पसंद आ रही थी ना, या अच्छा लड़का है आपका दोस्त है और उसको लड़की को पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ अपना इंटरेस्ट साइड पे रख के उनको उसको ज़रूर एक आप बिल्कुल सिंसियर एडवाइस दें. मेरे करियर में ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है कि मेरे पास मेरे सबॉर्डिनेट्स आए हैं जो वेरी डियर टू मी, एंड दे सेड कि जी हमें फ़लानी जगह पे करियर में, ये अभी जाहिद मुस्तफ़ा साहब हमारे यहाँ हुआ करते थे, वो चले गए अफ्रीका, वो सीईओ बन रहे थे. आई सपोर्टेड हिम ऑल आउट बिकॉज इन हिज करियर इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर हिम देन स्टिकिंग अराउंड हियर विद मी. सो दैट सिंसेरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, प्लीज डोंट नेवर लेट दैट लूज. इवन इफ योर ओन इंटरेस्ट इज बींग इंडेंजर्ड और इन जेपर्डी, और नतीजा ये है कि 53 ईयर्स की एज में आप अभी तक सिंगल ही हैं. दैट्स हाउ यू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड डू बेटर इन लाइफ. इंट्रोस्पेक्शन इज द नेम ऑफ द गेम. कीप ऑन असेसिंग योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑब्जेक्टिवली एंड ऑनेस्टली. स्टॉप ब्लेमिंग योर फैकल्टी फॉर बींग बायस्ड एंड नॉट गिविंग यू द राइट स्कोर्स. ये देखें कि शायद हमने ही सही पेपर नहीं दिया होगा और हमने ही सही उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया होगा. डोंट सी पीपल फ्रॉम योर ओन लेंस ओनली. एवरी वन हैज डिफरेंट ओरिएंटेशन, एक्सपोजर एंड अपब्रिंगिंग. ट्राई एंड गिव पीपल चांसेस एंड बेनिफिट्स ऑफ डाउट. दैट्स एम्पथी एंड वन ऑफ माई की लर्निंग्स इन लाइफ. इनिशिएटिव्स एंड बोल्ड डिसीशंस आर द वंस दैट मेक्स द बिगेस्ट डिफरेंस between boys and men. Bold decision is my 9th learning. Success doesn't come without taking risk and chances. The ability of taking risk comes from having confidence in oneself. Confidence comes, bahut important cheez aapse kehne laga hu, confidence comes with support system of your family and friends and your ability and learnings, your educational background. Value them all. Guard them jealously, but don't be arrogant about them at any cost. As we gather here today to have a heart-to-heart, अब तो बहुत ज़्यादा heart-to-heart हो गया, आप लोगों से बहुत चाह रहे हैं, आप लोगों ने मुझसे बड़ी चीज़ें निकलवा ली हैं जो जनरली मैं कहता नहीं हूँ. I am reminded of an interesting point that perfectly summarizes the ever-evolving job landscape in our world. You see, once upon a time, it seems like everyone was rushing to pursue STEM education. People thought that mastering science, technology, engineering, mathematics was the surefire way
to secure their future. But as we stand here today, I can't help but share a different perspective. It seems the tables have turned. Now we hear that AI is poised to take over jobs once considered exclusively human domains, leaving many of us pondering the fate of liberal arts and social sciences. Do not fear these thoughts and innovation. You live in a country where people want to hold on to what they know is inefficient rather than adopting new that can help. This irrational behavior is born out of fear. There is fear about AI and losing jobs. Similar inhibitions were there when ATMs and technology entered the market in banking, for example. In hindsight, that had only opened up numerous opportunities for innovation. You can either approach it with fear, or you can be prepared to build on innovation and taking things to the next level. This is the spirit that has gotten humanity from wheels to the stars. AI art is impressive, but it cannot replace the true artist. It can only replace the billboard painter at the cinema. So here's the joke. Why did this temp major switch to a liberal arts degree? That's happening. Because they realized that even AI needs someone to write its poetry and philosophize about the meaning of life. In all seriousness, the world is changing, and the value of liberal arts education has never been more important. By the way, main bhi aate hue doctor saab se ye baat kar raha tha ki meri had tak in the broader scheme of things, business is also part of the liberal arts. And I have a full thesis on it, by the way, which I will talk to you at some time later, ki why I am saying this. Ek word, sirf ek jumle mein aap logon ko bata dun, in this comparative world, if you are not exposed to liberal arts in business education, then you will lag behind. Poetry padhein, drama dekhein, cinema ko dekhein, apne aap ko cut above karne ke liye, because business is a very general degree. In order to be cut above, you have to have something more than what the business is offering alone, and that comes from liberal arts. Our ability to think critically, communicate effectively, and understand the human experience is something that can be automated or replaced by machines. So embrace your unique skills and knowledge, because the future can be uncertain. But your ability to navigate it with creativity and empathy will always be in demand. In closing, I want you to reflect on your career aspirations and the impact you want to create. My journey has been one of self-discovery, growth, and making a difference in Pakistan. I want to inspire each of you to find your passion, your purpose, and align your career choices with them. Remember, success is not just about climbing the corporate ladder. Draw a line and decide on your own value system, what principles you would never like to compromise on, and then stick to them, come what may. It's important if you're successful. It's not important if you're successful in the eyes of others. What's important is that you are successful in your own eyes and the eyes of the people who matter in your life. It's all about relationships and leaving impact on people and communities around you, no matter how big or small. This is also the art of making connections, which is absolutely important to leave a true legacy behind. My last and final learning. Despite all the bleak prognosis that surround our country these days, there still exists some semblance of hope. As long as we remain steadfast and resolute, faithful and diligent, humble and committed,
in working towards the greater good. In conclusion, I want to leave you with the thought that the world is changing and Pakistan is changing with it. We are a nation on the rise, and the opportunities of success and fulfillment are abundant. By choosing to build your careers in Pakistan, you are not only investing in your own future, but also the future of our nation and our future generations, which we owe to them being a success story ourselves. I encourage you to explore, innovate, and create right here in Pakistan. Look in the eyes of the challenges, as they will make you stronger. Nurture your talents and skills, as they will be the driving force behind your success. And most importantly, believe in the potential of Pakistan. And it's a land of endless opportunities. And I'm telling you from my own experience about this. Work unwaveringly towards leaving your legacy behind, which is long-lasting, and that only comes with establishing connection with your own people. That's what keeps you alive and respected, even when you are not in a position of authority or here in this world eventually. We are all mortals and have to leave this world sooner or later, one way or the other, but it's our legacy that will keep us remembered forever. Looking around in this August gathering today at this audience of bright and brilliant youth, I find myself filled with hope for our future. I wish you all the best of luck for your endeavors and extend my very sincerest thanks to the university for having me here today to share my perspective with you all. Thank you all very much. तो डॉक्टर साहब, दो बातें आपने पूछी हैं. एक तो वो आपने ओवरऑल पब्लिक सेक्टर के बारे में बात की कि वो किस तरह, यू नो, मेरा उस पर व्यू क्या है और क्या किस तरह चेंज हुआ या क्या व्यू है. दूसरा आपने मुझसे पूछा कि यू नो किस तरह मेरी लाइफ चेंज हुई है. तो लाइफ चेंजिंग का तो बल्कि बड़ा सिंपल जवाब है कि अब यू नो नथिंग मैटर्स इन फॉर मी. यू नो आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि पैसा, पोजीशन, आपका यू नो एक स्टैचर इन द सोसाइटी, दे ऑल गोज अवे. इट्स योर कनेक्शन विद पीपल दैट मैटर्स द मोस्ट. इट इज़ योर रिलेशनशिप विद पीपल विद मैटर्स द मोर. ज़रूरी नहीं है कि आपका रिलेशनशिप विद पीपल एंड कनेक्शन विद पीपल पूरे मुल्क के साथ हो जाए, मगर एक छोटी कम्युनिटी के साथ भी अगर वो आपको याद रखेंगे तो आफ्टर योर नो लॉन्गर हियर they will remember you and that legacy matters. कितने लोग आए, कितने लोग गए, कितने अमीर लोग आए, कितने अमीर लोग गए, कितने सक्सेसफुल लोग हमारी आइज में आए और गए, मगर लोग याद नहीं रखते. लोग उन्हीं को याद रखते हैं कि जिनका एक उनके साथ ताल्लुक होता है, कनेक्शन होता है, एक इम्पैक्ट पैदा किया होता है. सो वर्क इन फाइंडिंग टूवर्ड्स दैट कनेक्शन एंड मेकिंग दैट इम्पैक्ट इन योर सोसाइटी. दूसरा वाला जो सर आपकी बात है, देखिए मेरा जो क्रैश हुआ था ना, इसमें खाली PIA का मसला नहीं था, ये पूरा इकोसिस्टम फेल हो गया था. सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जो वहाँ पर जहाज़ ने जो टक्कर हुई थी, वो जिस बिल्डिंग से हुई थी वो इलीगल बनी हुई थी. फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उसको उस तरह नहीं होना चाहिए था, वो नीचे से हिट किया उसको. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पायलट साहब थे वो गालिबन ज़रा अपना ओवर स्ट्रेच कर गए थे इन टर्म्स ऑफ यू नो इन टर्म्स ऑफ हिज फ्लाइंग टाइम्स. So he was tired or something, and that's the reason why he couldn't manage to land in the first instance. तो मेरी हद तक ये पूरे ecosystem का failure है. और ये खाली public sector का issue नहीं है, हम as a society fail हो गए हैं. और अब तो मेरा एक नया, बल्कि मैंने इसमें लिखा हुआ था, फिर मैंने काटा क्योंकि मैंने कहा बहुत लंबी हो जाएगी स्पीच, जो मैं अभी उस पर मेरा आर्टिकल भी आ रहा है. आई बिलीव कि कोई चार्टर ऑफ बिजनेस, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं चल सकता अगर चार्टर ऑफ सोसाइटी नहीं होगा. तो हमें एक चार्टर ऑफ सोसाइटी की ज़रूरत है, जहाँ पर हम एज अ सोसाइटी ऑपरेट करें, जिसमें एम्पथी हो, जिसमें एक दूसरे के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लें एंड विल बी सिंसेयर विद ईच अदर, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो. उसके अंदर हमें अगर ये एलिमेंट आ जाता है तो थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस.
डॉक्टर साहब, ये आपके जितने सवाल आ रहे हैं ना, ये जितनी मैंने इसमें से स्पीच में से चीज़ें काटी थी ना, क्योंकि बहुत लंबी हो गई थी, वो सारे सवाल वापस आ रहे हैं। हाँ, तो इवन ये मैंने अपनी स्पीच में यहाँ लिखा था कि गुडनेस ऑफ पीपल जो मैं कहता हूँ ना, एज ए गुडनेस ऑफ प्रोफेशनल, उसकी क्या वजह है, वो फिर मैंने काटा पूरा पैरा, वो पूरा एक पैरा था मैंने काटा। तो आपने सवाल पूछ लिया तो मैं उसका जवाब देता हूँ। देखिए, बात यह है कि आपको ये जहन में रखना पड़ेगा कि अगर आप ग्रो करके एक पॉइंट पे पहुंच भी गए हैं ना, तो और आप अगर अच्छे इंसान नहीं हैं, तो आप बहुत जल्दी एक्सपोज हो जाते हैं। और अगर आप एक्सपोज हो जाते हैं तो पीपल मे नॉट बी एबल टू से थिंग्स इन फ्रंट ऑफ यू ऑन योर फेस, बट बिहाइंड द बैक दे नो कि आप किस किस्म के आदमी हैं, तो आपकी बुराई करेगा। और जब आप पोजिशन ऑफ पावर में नहीं आए होंगे तो और मज़ीद बुराई करेगा। दिस इज़ नॉट द लेगेसी यू वॉन्ट टू लीव बिहाइंड। कि मैं CEO था एक ऑर्गेनाइजेशन का, मगर मैं बहुत ही फजूल आदमी था। यू वुड लाइक टू लीव अस लेगेसी बिहाइंड कि मैं नंबर 2 था एक ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मैं बहुत अच्छा आदमी था। सो दैट्स व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि यू हैव टू बी गुड ह्यूमन बीइंग टू बी अ गुड प्रोफेशनल। और दूसरी बात यह कि आप कहीं ना कहीं इन योर प्रोफेशनल करियर डीलिंग विद द अदर पीपल आप एक्सपोज हो जाते हैं। सो देखिए, एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग फॉल्स टू मार्केटिंग एंड सेल्समैनशिप। इवन द ब्राइटेस्ट ऑफ द आइडियाज फेल बिकॉज आपने उसको सही तरह मार्केट नहीं किया होता। आप जितनी मर्जी इनोवेशन कर लें, अगर वो सही तरह मार्केट नहीं हुई भी तो उसमें प्रॉब्लम आती है। सो देयरफॉर वो मार्केटिंग का जो पीस है, उसके लिए बहुत ज़रूरी अमर ये है कि आपको अपने सेल्फ से निकल के दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसको मिस सेलिंग नहीं करनी है आपने, ट्रस्ट मी, उससे जो ट्रस्ट डिवेलप आपका और उस बंदे का होगा, विल कीप कमिंग बैक टू यू एंड दैट रिलेशनशिप विल लास्ट फॉर एवर। जो मैंने अपनी 10 लर्निंग्स आपको बताई, यही चीज़ मेरे ख्याल से हमारी यूथ में लैकिंग है, और मुझ में भी शायद लैकिंग थी, बट मैंने वो बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी के बाद सीखी है। अल्लाह ना करे कि किसी को उसको फेस करना पड़े, मेरी तौबा के कोई इंसान उसके करीब भी आए उस ट्रामा के। लेकिन मैं इसलिए ये सब लोगों से शेयर करता हूँ और उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, बिकॉज ये मेरी यूनिक लर्निंग्स जो हैं, ये शायद अगर आप 1-2 भी ले लें तो ये शायद आपको एक बेनिफिट कर दें, जो आपको एक लंबे रास्ते से और मुश्किल तरीके से ना सीखना पड़े, बल्कि एक सीधे तरीके से मैं ही आपके साथ वो शेयर कर लूँ। जी, जिस तरह मैंने आपसे कहा था ना कि वो इंट्रोस्पेक्शन जो है ना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह ये अभी एमन भी कह रही थी, वो इंट्रोस्पेक्शन जो है ना वो करते रहा करें। तो मेरी आदत है, फॉर एग्जांपल अभी मैं वो लम्स की रिट्रीट में भी गया हुआ था, तो वहाँ पर भी इतफाक से ये जिक्र निकला। इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि एवरी डे इन द इवनिंग अपने पूरे दिन को रिव्यू करें और अगले दिन को प्लान करें। एक आधा घंटा अपने साथ स्पेंड ज़रूर करें और ये देखें कि आप कहाँ कहाँ आपने गलती की थी, क्या क्या बेहतर आप कर सकते थे। आपने जो ईमन से बात की थी, आपको इस तरह शायद बात नहीं करनी चाहिए थी, आपको अफसोस हुआ, और अगर आपको अफसोस हुआ है तो जाके ईमन से माजरत कर लें अगले दिन। यकीन माने ये आपका जो एक और आप चीज़ समझते हैं कि आपने बड़ा अच्छा किया था ईमन के साथ, तो फिर दूसरों के साथ भी ये रेप्लिकेट करें, फातिमा के साथ भी ये रेप्लिकेट करें। सो दिस इज़ द इंट्रोस्पेक्शन विच इज़ नेसेसरी फॉर एवरीबडी टू डू, एंड दैट कीप्स यू ऑन द ट्रैक, जो आपने मुझसे बात की थी। दूसरी जो बात है वो ये है कि यू नो, आपका जो पहला वाले सवाल था वो ये था कि देखिए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपने आप को कैसे सक्सेसफुल इंडिविजुअल शो करना है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि डॉक्टर साहब आपको सक्सेसफुल समझ रहे हैं या जफर मसूद आपको सक्सेसफुल समझ रहा है। आपने खुद अपने आप को सक्सेसफुल समझना है, बिकॉज आपको पता है कि आपको ज़िंदगी में क्या चीज़ चाहिए। एंड अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल समझते हैं, देन यू आर अ सक्सेसफुल मैन। योर एंटायर एक्शंस एंड यू नो करियर should revolve around for you being satisfied in your heart and heart that whatever you are doing, you are happy about it. So in your opinion, it's all about mindset, right? It is all about mindset, nothing more, nothing less. Main aapko bataun, isme choti choti examples hain ke jo hai na ye, for example mere jo walid hai Munawar Saeed sahab, he is a very content man. और वो शो बिज़नेस में थे, तो शो बिज़नेस में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। तो उन्होंने कभी बड़ा अरूज का टाइम देखा जब उनके पास 1970s में यू नो तीन चार गाड़ियाँ भी होती थी, मर्सिडीज़ भी हुआ करती थी। उन्होंने वो टाइम भी देखा कि 1980s के अंदर सारी गाड़ियाँ बिक गई, एंड देन ही हैड टू वर्क फॉर एन एडवर्टाइजिंग कंपनी
मगर वो उनकी लाइफस्टाइल जो थी ना वो कंटेंट रही पूरी जिंदगी. ना उस वक्त उन्होंने कोई अपने आप को ज्यादा स्ट्रेच किया ना उस वक्त, तो वो एक कंसिस्टेंट एंड ही ओनली इन्वेस्टेड इन हिज ओन किड्स. हमारी एजुकेशन पे उन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया और जहां भी हमें जरूरत होती थी वो उसके ऊपर. तो दैट माइंड सेट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मेरी बहन जब जा रही थी अमरीका पढ़ने के लिए, अब तो खैर गाड़ी बेच के आदमी अमरीका नहीं जा सकता, तो ही इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ कार्स, ही इज़ एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर. उन्होंने अपनी गाड़ी बेच दी थी बिकॉज फी के पैसे नहीं थे उसके. अब माशाल्लाह से हालात बहुत डिफरेंट है, बट एट दैट टाइम ही इवन वेंट टू दैट एक्सटेंट. दिस इज ऑल इन योर माइंड, इन योर माइंड सेट एंड योर प्रायोरिटीज. राइट, अपनी प्रायोरिटीज ठीक कर ले, यू विल बी अ कंटेंट पर्सन इन योर लाइफ. जो अपॉर्चुनिटीज है ना वो भी एडवर्सिटीज में से निकलती हैं. दूसरा, एक तो दुनिया में हर जगह पे इस वक्त जो है ना वो एडवर्स एनवायरनमेंट और एडवर्स सिचुएशन है, लेकिन जो 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 अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो एडवर्सिटीज जहाँ ज़्यादा होती हैं वहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है कि आप एडवर्सरीज में से निकलें और अपने आप को एक्सेल करें. सो आई एम पॉजिटिव बिकॉज ये एडवर्सरीज जो हैं यही हम लोगों को होप देती है. और मैंने इसीलिए कहा कि आप लोग वो अलीट हैं. आप लोग अलीट इसलिए नहीं है कि आप लोगों के पास बहुत पैसा है, आप लोग अलीट इसलिए क्योंकि आप लोगों के पास एजुकेशन का की पावर है. एंड जो एजुकेशन की पावर जो है ना, दैट इज़ समथिंग which will give you an edge over the others in this adversarial environment. So think about that gaps which are there and start working towards those gaps to build your career around it, keeping in perspective your larger perspective in mind. इसीलिए मैंने कहा आप बिल्कुल clear हो जाएं कि how you want to be remembered at the end of your life, in your once you are not in this world. एंड देन वर्क अराउंड बैकवर्ड. जितनी अपॉर्चुनिटीज आपको उसका काम करने की इन एन एडवर्स इन्वायरमेंट मिलेंगी वो एक स्ट्रक्चर्ड इन्वायरमेंट में बहुत मुश्किल हो जाएंगी. तो देखिए मैं आपको बताऊँ, मैं तो इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ. मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ. एंड मैं आज थोड़ा सा सैनिटी आपको नज़र आ रही है ना, उसमें मेरी फैमिली का और फ्रेंड्स का बहुत बड़ा हाथ है. मैं इसीलिए बार बार ये हाईलाइट कर रहा हूँ आपसे. आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, मुझे भी नहीं था जब मैं आप लोगों की एज का था. हमें लगता था कि हम इंडिविजुअली सब कुछ कर सकते हैं, हम दुनिया फतह कर सकते हैं, हमें कोई परेशानी नहीं. यकीन माने मैं आप लोगों की तरह ही था, ओवर कॉन्फिडेंट, ओवर यू नो दिस थिंग कि बस कोई चीज़ जो है ना वो मेरे लिए मसला नहीं है, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ. ये जो मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी ठोकर खाई है ना, मुझे लड़कियों ने तीन चार ने मुझे रिजेक्ट भी किया है, उसके बाद आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट यू नो यू नीड टू यू नीड जो जो आपका सपोर्ट सिस्टम होता है ना आपके अराउंड, वो कितना इम्पॉर्टेंट होता है. आपकी फैमिली और फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए. आप चले जाइए बाहर, ज़रूर काम कर लीजिए, बट ट्रस्ट मी वो जो टाइम आप लूज़ करेंगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वो वापस नहीं आएगा. जो आपका सपोर्ट सिस्टम है ना वो आपको कैरी थ्रू करेगा इवन इन द एडवर्स एनवायरनमेंट एज वेल. ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ लिविंग इन अफ्रीका. I was a very influential man in Africa, by the way, running the largest institution in the three jurisdictions. जहाँ मेरे phone call अभी होता था president of each country. लेकिन मेरे अंदर एक confidence की lacking थी because मेरे family और friends were not around me. इसकी value आपको इस बचपने में नहीं समझ में आएगी, या आप लोगों को समझ में आएगी जब आप मेरी उम्र के होंगे और उस पर आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने. तो उसको वैल्यू कीजिए प्लीज़, और उसके अराउंड अपनी ज़िंदगी जो है ना उसको आगे लेके चलिए. अच्छा, सर्वाइवर्स गिल्ट जो है ना वो बड़ी स्ट्रेंज चीज़ मेरे साथ हुई थी. जब फॉर द बेनिफिट ऑफ दोस्त, आपको सबको सर्वाइवर्स गिल्ट का पता है या मैं उसको रिपीट करूँ थोड़ा सा? पता है, चलो वेरी गुड, चलो रिपीट नहीं करना फिर इसका मतलब. सो द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट मैंने वो इंटरव्यू में भी कहा था कि पाकिस्तान इन जून हैज़ एक्चुअली स्केप द क्रैश. जिस तरह मैंने सर्वाइव किया है क्रैश में, उस तरह पाकिस्तान की इकोनॉमी सर्वाइव किया है क्रैश में इन जून. जो IMF का बेल आउट लास्ट मिनट पे आ गया, वरना हम बड़ी तकलीफ में होते. नाउ गिवन दैट फैक्ट, जो बेनिफिट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो बेनिफिट है वो एक सिलेक्टेड फ्यू को जा रहा है रिसोर्सेज का, और वो इक्वली डिवाइडेड सब में नहीं है. देयरफॉर अब वो इम्पॉर्टेंट टाइम आ गया है कि जहाँ पर इसमें दो तीन चीज़ें हैं. एक तो ये कि जो जो ये रेंट सीकर्स हैं
उनको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि पाए जो है वो छोटी हो गई है और अब उनका अपना जो रेंट सीकिंग का पूरा एक बेनिफिट था वो अब डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा सूनर और लेटर। और अगर वो नहीं कर अपने आप को चेंज करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। आई थिंक दैट रियलाइजेशन इज सीपिंग इन स्लोली एंड ग्रेजुअली। ये ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, ये या रेवोल्यूशंस के थ्रू आता है या ये स्लोली क्रीप इन करता है। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन हमारे सामने है, क्लासिक एग्जांपल है, रशियन रेवोल्यूशन हमारे सामने है, क्लासिक एग्जांपल है। जो ये पूरा एक मोमेंटम बन गया था सोशलिज्म वाला, दिस पर ऑल टू माय माइंड अ सिम्बलेंस ऑफ दैट जो आप बात कह रहे हैं। इनफैक्ट अभी एक रिकॉर्डिंग मैंने करवाई थी, उसमें भी वो अगले हफ्ते आएगा, जिसमें वो 1960s के बारे में कहते हैं कि जी बड़ा हमारा एरा था। तो आप इकोनॉमी को और पॉलिटिक्स को अलहदा नहीं कर सकते। तो इकोनॉमिकली शायद हम बड़ा अच्छा कर रहे थे बट पॉलिटिकली हम कमज़ोर हो रहे थे। वो पॉलिटिकली कमज़ोर होने का नतीजा ये हुआ कि मुल्क 71 में टूट गया। लिहाजा वो अलीट्स को रियलाइज़ करना पड़ेगा कि दे विल लूज आउट बिग टाइम एंड वी लॉस्ट आउट बिग टाइम, एक्चुअली फिजिकली लॉस्ट आउट बिग टाइम। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि उनको ये भी रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अब उनको जो है रेंट सीकिंग छोड़नी पड़ेगी और टैक्सेस पे करने पड़ेंगे, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर रीज़न बट बिकॉज ऑफ देयर ओन जनरेशन इन फ्यूचर फॉर देयर ओन किड्स। बिकॉज अगर वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी उतने ही उसी तरह की ज़िंदगी गुजारें जिस तरह की उन्होंने गुजारी है, तो उनको आज इन्वेस्ट करना पड़ेगा और इस मुल्क के अंदर फॉर देयर ओन बेनिफिट। सो देयर फॉर आई प्रमोट द आइडिया ऑफ चार्टर ऑफ सोसाइटी। अच्छा होता क्या है हसन, दुनिया में बड़े, उस मैंने इंटरव्यू में भी कहा था, एक ईदी पैदा हुआ है, एक अदीबुल हसन रिजवी पैदा हुआ है, एक चीपा पैदा हुआ है, एक सलानी पैदा हुआ है, देर नॉट मैनी लाइक दैट, 8-10-15 लोग, दैट्स इट, 25 करोड़ लोगों में से, और वो भी अपनी मोटिवेशन पे। बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ मोटिवेटेड इस तरह के होते हैं। लिहाजा आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि उनका अपना इंटरेस्ट जो है ना वो कहाँ जाके कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और उसको कहाँ छोड़ रहा है। इसलिए मैंने आपसे तीन बातों की बात की और उसमें जो चार्टर ऑफ सोसाइटी है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो प्रेशर होता है ना फ्रॉम द पब्लिक, वो सबसे बड़ा प्रेशर होता है कि जिससे आप राइट डिसीजन लेने लगते हैं। अब वो प्रेशर जो है वो एक फिजिकल सूरत में भी आ सकता है, रेवोल्यूशन ब्लडी रेवोल्यूशन की सूरत में भी आ सकता है और एक साइलेंट रेवोल्यूशन की सूरत में भी आ सकता है। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये और जो मेरी ऑप्टिमिज्म पाकिस्तान के बारे में आ रही है वो यहाँ से आ रही है कि मेरे ख्याल से वो रास्ता, वो जो जर्नी है साइलेंट रेवोल्यूशन का, वो शुरू हो चुका है। बिकॉज आप कोई लिटरेचर फेस्टिवल, डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं होता जिसके अंदर एक इकॉनमी का पीस नहीं डाला जाता। और वो इकॉनमी का जो पीस होता है ना वो सबसे पॉपुलर होता है, सबसे ज़्यादा अटेंडेंस उसके अंदर होती है। तो पीपल हैव रियलाइज्ड, कोई आप टीवी शो आज लगा के देख लें, हर एक के अंदर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक का एक सेगमेंट ज़रूर होता है। दीज आर साइलेंट थिंग्स, ये वीक सिग्नल्स हैं, आप ये पिक करना शुरू करें। दीज आर साइलेंट रेवोल्यूशन ऑफ बिल्डिंग द कंसेंसस ऑफ व्हाट नीड्स टू बी डन, द राइट थिंग टू एलिमिनेट दिस रेंट सीकिंग माइंडसेट। मैं IBM में कैसे लैंड किया था, जो सरप्राइजेज वाली मैं आपसे बात कर रहा था, आई यूज़ टू बी द ट्रेजरर ऑफ द बैंकिंग स्टूडेंट्स फोरम जो IBM में हुआ करती थी। पता नहीं आपके यहाँ स्टूडेंट बॉडीज हैं कि नहीं है। वेरी गुड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो हम लोग हर ओकेजन पे हर महीने में कम से कम एक कॉरपोरेशन को ज़रूर इनवाइट करते थे कि आप अपने सीनियर मैनेजमेंट को लेके आएँ और हमारे स्टूडेंट से मिलें, तो एक इंटरेक्टिव सेशन हुआ करता था। अच्छा वो जो तकरीरें थी उसमें कम होती थी, उसमें सिर्फ CEO या जो भी सीनियर आदमी आया था वो तकरीर करता था अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आपके जो भी हैं बिजनेस स्कूल वाले वो करें, उसके अंदर VC साहब बोल लें, लंबी तकरीर ना हो। इंटरेक्शन ऑफ द टीम एंड इनकरेज देम टू कम विद द टीम, वो अपने ग्रुप हेड्स के साथ आएँ, डिवीजन हेड्स के साथ आएँ और आपके स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें। दैट्स वेयर दे पिक्ड मी अप। मेरे ग्रेड्स बड़े अच्छे नहीं थे लेकिन दे पिक्ड मी अप बिकॉज आई वॉज वेरी एक्टिव इन दीज एक्टिविटीज़। तो मैं वहाँ पर ऑर्गेनाइज किया करता था ये एक्टिविटीज़ इन ऑल। बाई द वे इंटरेस्टिंगली इनफ मैं ट्रेजरर था और वोटर थैंक्स मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और जो ये जो इवेंट्स की कमेटी थी हमारी उसके जो चेयरमैन थे अमीनुद्दीन साहब, जो आजकल TPL इंश्योरेंस के CEO हैं, मोहम्मद अमीनुद्दीन, वो उसके थे। हम दोनों को अमेरिकन एक्सप्रेस ने उठाया था बिकॉज ही वॉज द ऑर्गेनाइजर ऑफ दोज इवेंट्स एंड आई वॉज द वन हु वॉज इन्वॉल्व वेरी एक्टिवली इन प्रेजेंटिंग आर स्टूडेंट बॉडी।
दिस इज वॉट इज इम्पॉर्टेंट. मेरे ख्याल से जो आपकी इंगेजमेंट है ना विद हर इंस्टीट्यूशन की अलग रिक्वायरमेंट होगी. प्लीज इन्वाइट यूनिलीवर, प्लीज इन्वाइट नेस्ले, प्लीज इन्वाइट बैंक ऑफ पंजाब, प्लीज इन्वाइट स्टैंडर्ड चार्टर्ड, बिकॉज लोगों को डिसीजन लेने दें कि उन्होंने पब्लिक सेक्टर में जाना है, मल्टीनेशनल में जाना है, कहाँ जाना है, और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है. हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी. वो सिर्फ उसी वक्त इवर्ज करेंगी जब लोगों की इंटरेक्शन शुरू होगी, एंड वो एक आपको एक फीडबैक भी मिल जाएगा कि वॉट आर दी एक्सपेक्टिंग. तो यू मे हैव टू ट्वीक योर इंटायर एजुकेशनल प्रोसेस ऑन दोज लाइन्स टू. डॉक्टर साहब, ये जो जिस तरह मैंने आपसे कहा कि मैं तो खुद ये चाहता था कि आई विल बी ऑन माई ओन एंड डिलीवरिंग, यू नो आई डोंट वॉन्ट टू वर्क फॉर एनी बडी, वो जो आप बात कह रहे हैं, एंड जस्ट बी यू नो इंडिपेंडेंट. फ्रेंकली स्पीकिंग, यू नो वेन आई गॉट इन टू द सिस्टम एंड रियलाइज कि यार द काइंड ऑफ लर्निंग दैट इज देयर, जो डॉक्टर साहब आपसे फरमा रहे हैं, वॉज अनमैच्ड. एंड वो थोड़ा लंबा हो गया टाइम. मेरा उस वक्त तक भी इरादा ये था कि मैं निकल जाऊँगा, बट फिर मैं सिटी बैंक में लैंड कर गया, विच वॉज द बेस्ट एम्प्लॉयर. देन वो दुबई इस्लामिक बैंक, बाय द वे दुबई इस्लामिक बैंक में सी स्वीट, आई वॉज द हाइएस्ट पेड सी स्वीट परहैप्स इन द बैंकिंग सेक्टर एट दैट टाइम. एंड देन आई लैंडेड इन बार्कलेज अफ्रीका सी ओ पोजिशन. तो वो जरा लंबा हो गया टाइम एंटरप्रेन्योरशिप का, बट जब मैं एंटरप्रेन्योरशिप में आया तो ये सारी लर्निंग्स केम वेरी हैंडी टू मी. डॉक्टर साहब जो आप फरमा रहे हैं, तो आप तो एक दो साल कह रहे हैं, मैं तो कहूँगा कि अगर 5-6 साल भी लग जाएँ तो कोई हर्ज नहीं है. उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो है वो उसको उसको ज़रूर सीखें और उसे सीख के उसको इम्प्लीमेंट करवाएं इन योर ओन सेटिंग्स. एक चीज़ जो मैंने कही थी मैं दोबारा रीइंफोर्स कर दूं, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब नॉट नेसेसरीली कि आप जो है अपने ओन पे ही बिजनेस करेंगे तो एंटरप्रेन्योर बनेंगे. किसी भी जॉब में आप इंटरप्राइजिंग हो सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक जॉब को आप सिंपल तरीके से करते हैं. जब मैं एक मैनेजमेंट एसोसिएट था तो मुझे याद है डॉक्टर साहब कि जब बजट आया करता था तो मैं एक बजट के ऊपर कमेंट्री बना के अपने सीनियर्स को जाके दे दिया करता था. बड़ी फजूल कमेंट्री होती थी बाय द वे इन हाइंडसाइट, बट वो भी मुझे बड़ा इस पे इनकरेज करते थे क्योंकि मैं अपनी जॉब से आगे बढ़ के जा रहा हूँ और एक काम कर रहा हूँ, और मुझे भी एक मोटिवेशन ही होती थी कि यार मैं अपने कॉम्पिटिशन के मुकाबले में. तो दोज इंटरप्राइजिंग थिंग्स नीडेड टू बी डन. ऑन अ लाइटर नोट डॉक्टर साहब, मैं अपने करियर में बाय द वे कई दफ़ा जो है ना फायर होते होते बचाऊँ, बिकॉज वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसमें आपको थोड़ा सा रिस्क और चांसेस लेने पड़ते हैं, बट वो रिस्क और चांसेस आपने इस तरह लेने हैं कि आप जो है ना वो कट ना करें कॉर्नर और लाइन कट ना करें. बाकी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खुद काम करें. यू कैन बी यू नो वर्किंग फॉर समबडी एल्स बट बी एन एंटरप्रेन्योर इन योर ओन राइट. वो आपको बड़ी सेटिस्फैक्शन देगा.